हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन 20 से 40। हमें 20 से 40 के बीच के सारे इवन नंबर लिखने हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन जो है इवन नंबर होते क्या है। पहले हमें जानने होंगे इवन नंबर होते क्या है, इवन एंड ऑड नंबर्स होते क्या है। सबसे पहले मुझे इवन नंबर जानने हैं तो हमें इवन नंबर की डेफिनेशन होनी चाहिए पता। तो हम जानते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हमारा होता है द नंबर द नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टू या डिविजन बाई टू जो नंबर वो नंबर क्या बोल रहा है, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टू, वो नंबर जो दो से पूरा पूरा डिवाइड होता है वो उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। कहने के लिए जैसे हमारे पास 16 है, हमें 16 को 2 से दूंगा तो 2 एट जा कितना होता है 16, हमारा रिमाइंडर कितना है 0। तो ये हम कह सकते 16 क्या है, इवन नंबर है। अगर मैं 15 को दूंगा तो 2 7 जा कितना होता 14 होता है, 5 में 7 जाए रिमाइंडर बचा, डिवाइड तो रहा लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, क्या बचा रहा रिमाइंडर। तो ये क्या है, आपका इवन नंबर नहीं है। तो हमको पता लग गया इवन नंबर क्या था, वो नंबर जिसे पूरा पूरा डिवाइड में रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 0 बचेगा, उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब मुझे कहाँ से लिखना है, 20 से लेकर 40 तक लिखना है। अब हम देखेंगे 20 तो है ही इवन नंबर, 22 आता 2 में, 24 आता है, 26 आता है 2 में, 28 आता है 2 में, 30 15 टू जै 30 देखो 10 टू जै 10 टू जै 10 टू जै कितना 20 होता है, 11 टू जै 12 टू जै 13 टू जै 14 टू जै 15 टू जै ठीक है, 32 16 टू जै 34 7 टू जै 36 18 टू जै 38 एंड 40। तो ये हमारे क्या हुए, हमने पूछ रखा था हमें क्वेश्चन कि 20 से लेके 40 तक आपको इवन नंबर निकालने, तो हमने 20 से लेके 40 के बीच तो अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवन नंबर्स आते हैं। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए इवन नंबर क्या, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर जो पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं है। इसमें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑड नंबर्स। तो थैंक यू।